वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 7 जुलाई 2024 में, और हमने स्पेशल टॉपिक सीरीज जो है वो शुरू की है। और इससे पहले हमने टॉपिक 1 देखा था, जिसमें हमने साउंड चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आगे बन सकते हैं वो सब डिस्कशन किया था। तो मुझे लगता है वो क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सबसे पहले हम फिजिक्स के सारे जो टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट वो कवर कर रहे हैं, फिर हम केमिस्ट्री और फिर बायो के। इस तरह से पूरी ये टॉपिक सीरीज आपकी चलेगी। एक डे छोड़ के आपकी क्लास ये यहां पर आएगी, क्योंकि एक डे में मैं पूरा उसको एनसीईआरटी से सर्च करके बना लेती हूं और फिर नेक्स्ट डे आपका अपलोड कर देती हूं। तो जैसे आज क्लास आई है, परसों को जो है फिर से आपकी रात के टाइम जो है वो क्लास अपलोड हो जाएगी। बच्चे पूछते हैं कि मैम नेक्स्ट क्लास कब आएगी, और परेशान मत होइए, बच्चों को डाउट लग रहा है कि क्लास कंटिन्यू रहेगी नहीं रहेगी। क्लास कंटिन्यू रहेगी। देखिए, या तो मैंने ऐसा हुआ है कि आपको कोई चीज है तो वो शुरू ही नहीं की, और जब भी मैंने कोई चीज शुरू की है वो हमेशा आपको पूरी कराई है। तो जब ये सीरीज शुरू हुई है तो इस सीरीज कंप्लीट होगी। 7 जुलाई के एग्जाम में आपको इस सीरीज से बहुत बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। आज की क्लास में जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है मेटल एंड नॉन मेटल। ये एक ऐसा टॉपिक है जैसे साउंड था, एक या दो, कभी कभी दो क्वेश्चन भी इस टॉपिक से बन जाते हैं, बनते ही बनते हैं। एक तो बनेगा ही बनेगा, दो क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ये क्लास आप देख लेते हैं तो हो ही नहीं सकता आप क्वेश्चन ना कर पाएं। देखिए, मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स का बहुत बेनिफिट हो जाएगा। सारी थ्योरी आपको मिल जाएगी, सारे प्रीवियस ईयर विद आंसर्स आपको मिल जाएंगे, जितनी भी टॉपिक सीरीज हैं विद आंसर्स वो भी मिल जाएंगी, जो शॉर्ट समरी है वो मिल जाएगी विद आंसर्स, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जिसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, सिंपल 120 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। 120 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। इसके रिगार्डिंग आप मेरी मेल आईडी या मेरे व्हाट्सएप पर 9411662115 पर भी मैसेज कर सकते हैं, और वहां से आपको जो नोट्स हैं और सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी। उससे आपको क्या हो जाएगा, डबल जो है हेल्प हो जाएगी, क्योंकि यहां पर मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी, लेकिन जब आप वो चीज़ें देखेंगे तो उनमें सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे 2011 से 2023 के। और टॉपिक सीरीज में भी इंडिविजुअल क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वहां पर आपको करने के लिए मिल जाएंगे। तो उसके रिगार्डिंग आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, ये हमसे यहाँ पर पूछा है। देखिए, आपको पता है जब हमारा चैप्टर चल रहा है मेटल और नॉन मेटल, मेटल को हिंदी में क्या बोलते हैं, धातु, और नॉन मेटल को क्या बोलते हैं, अधातु। ये जो मेटल होते हैं ना, जैसे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं, और फिर इनकी पानी से रिएक्शन हो जाती है या तो वो क्या हो जाते हैं, मेटल के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेटल के क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। तो जो मेटल के ऑक्साइड वहां पर बनते हैं वो आपको हमेशा याद रखना होगा, वो कैसे होते हैं, वो बेसिक होते हैं नेचर में, वो क्षारीय होते हैं। तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं आप याद रखेंगे वो क्षारीय होते हैं, वो बेसिक होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल है उनके ऑक्साइड हमेशा आपको याद रखना होगा वो क्या होते हैं, वो एसिडिक होते हैं। अब याद रखेंगे, जैसे नॉन मेटल का एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ तो वो क्या हो जाएगा आपका, सल्फर। सल्फर क्या है, वो आपका नॉन मेटल है। अब देखिए, नॉन मेटल है तो इसका जो ऑक्साइड होगा वो कैसा होगा, वो आपका एसिडिक होगा नेचर में, अम्लीय होगा। और आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, नीले पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ये हम एसिड बेस और सॉल्ट वाला चैप्टर जब क्वेश्चन देखेंगे वहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो जो एसिड होते हैं याद रखेंगे वो क्या कर देते हैं, नीले को लाल कर देते हैं। तो यहाँ पर एसिडिक ऑक्साइड बन रहे हैं नॉन मेटल के, इसी वजह से वो नीले को लाल कर देते हैं। और ये सल्फर वाला क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सल्फर क्या है, पहले तो नॉन मेटल है। अब देखिए इसका ऑक्साइड कैसे, सल्फर की रिएक्शन आपने ऑक्सीजन से कराई तो बनाया उसने क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बना दिया, सल्फर का ऑक्साइड बन गया। तो यही सल्फर का ऑक्साइड होता है। इसकी रिएक्शन आपने क्या कराई, वाटर से कराई। वाटर से रिएक्शन कराने के बाद देखिए इसने क्या करा, एसिडिक यहाँ पर फॉर्म करा, सल्फ्यूरस एसिड। क्या बनाया, सल्फ्यूरस एसिड बनाया। याद रखिए, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3 बनाया। और ये जो सल्फ्यूरस एसिड है यहाँ पर कैसा है, ये जो है आपका एसिडिक है, ये अम्लीय है। तो कहने की सिंपल ये बात है, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो एसिडिक बनाते हैं। और एसिड क्या कर देता है, नीले को लाल कर देता है, जबकि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके क्षारीय होते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपके लिए दिया, जैसे मैग्नीशियम
मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या है? ये मेटल है, ये धातु है। सल्फर क्या था? वो आपका अधातु था, नॉन मेटल था। अब जैसे मेटल है, मेटल में आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हमने एयर में बंद कराया, मतलब ऑक्सीजन के साथ इसको बंद कराया, तो इसने क्या फॉर्म करा? मैग्नीशियम की रिएक्शन आपकी ऑक्सीजन से कराई, तो इसने क्या बना दिया? मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना दिया। और ये जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन जब हम वाटर से कराएंगे, H2O से कराएंगे, पानी से, तो ये क्या फॉर्म करेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, ये कैसा होगा? आपको पता है, जब भी OH आ जाता है तो वो क्या होता है? वो बेसिक होता है। तो यहाँ पर जब पानी के साथ उसकी रिएक्शन हुई तो वो बेसिक वहाँ पर फॉर्म हुआ, क्योंकि हम पढ़ते हैं जो मेटल होते हैं, जो धातु होते हैं, उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं? उनके ऑक्साइड बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में सल्फर वाला भी बना है और मैग्नीशियम वाला भी बना है। मैंने सारी चीज़ें यहीं पर ऐड कर दी हैं कि क्वेश्चन में, ताकि सब कुछ एक साथ आपको क्लियर हो जाए। मैग्नीशियम को एयर के साथ बंद करा तो उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, यही मैग्नीशियम ऑक्साइड की जब वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो उसने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, MgOH2 हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड मतलब बेस की बात हो गई है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया तो एक, जब ए का हमने क्या करा यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम की रिएक्शन एयर से हुई तो ए बना, ए क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और बी यहाँ पर क्या होगा, ये पूछा, उसका नेचर पूछा था, क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में बना है इसलिए मैंने वहाँ से उठाया था, पूछा था जो बी यहां पर फॉर्म होगा, बी क्या फॉर्म हुआ था जब उसकी पानी से रिएक्शन कराई हमने, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहां पर बना। लेकिन ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो कैसा होगा? वो बेसिक होगा नेचर में, वो क्षारीय होगा। और जो बेस होते हैं वो क्या कर देते हैं? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो यहां पर ये भी लिखा है, ये क्या टर्न कर देगा? रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। तो बेस जो होते हैं वो क्या कर देते हैं? लाल को नीला कर देते हैं। और जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं? वो नीले को लाल करते हैं। तो सारे पॉइंट मुझे लगता है यहां से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखने से पहले आपको ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है समझना होगा। विस्थापन अभिक्रिया से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर जब आप उठाएंगे तो आपको देखने को मिलेंगे। ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है जो आपको याद रखनी है, जिसमें पोटाशियम जो होता है, जिसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद सोडियम, जिसे हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब होते हैं। फिर कार्बन आ जाता है। ये कार्बन क्या होता है? ये आपका नॉन मेटल होता है, अधातु होता है, और ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कभी कभी पूछ लेता है कार्बन एक नॉन मेटल का ऐसा कौन सा रूप है जो दो या उससे अधिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वो कार्बन हो जाता है। उसके बाद जिंक हो गया, उससे कम रिएक्टिव आयरन, फिर टिन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है आपका प्लैटिनम। क्वेश्चन बन जाए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो वो पोटाशियम। सबसे कम रिएक्टिव कौन है, तो वो आपका प्लैटिनम है। अब देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अभिक्रिया क्या है वो आप समझ लीजिए। सपोज मेरे पास क्या है, जिंक है। यहाँ पर मैंने जिंक का एग्जांपल ले लिया, जिंक है, और एक सॉल्यूशन है उसमें क्या पड़ा है, सोडियम का कोई, सोडियम जैसे सोडियम है ना, Na, उसका कोई सॉल्यूशन पड़ा है। तो जो ये सॉल्यूशन किसका है, सोडियम का कोई सॉल्यूशन, विलयन जो है सॉल्यूशन वहाँ पर पड़ा है। तो ये जो सिंगल मेटल जिंक है, क्या ये इस सॉल्यूशन में पड़े सोडियम को निकाल पाएगा? यही यहाँ से हम विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए तो यहाँ पर आंसर होगा नो। नो क्यों होगा? क्योंकि सिंगल मेटल तभी इस सॉल्यूशन में से जो मेटल पड़ा है उसको वो तभी निकाल पाएगा जब ये सिंगल मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अगर ये सिंगल मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है सॉल्यूशन में पड़े मेटल से, सॉल्यूशन में पड़े धातु से, तब वहाँ पर रिएक्शन होती है, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होती। तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। सेम अभी ऐसे अगर खाली सोडियम होता और सॉल्यूशन के अंदर आपका क्या होता, एल्युमिनियम के साथ कोई सॉल्यूशन पड़ा होता, तो वहाँ पर रिएक्शन हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि सिंगल मेटल जो सोडियम है वो पूरा जो सॉल्यूशन में पड़ा मेटल है उससे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जब सिंगल मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो सॉल्यूशन में पड़े मेटल को वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा, और खुद वहाँ पर चला जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है CuSO4, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। सिंगल रिएक्शन किसके साथ हो रही है? जिंक के साथ हो रही है। तो अब जब मैं देखती हूँ रिएक्टिविटी सीरीज आपके ये सामने है, तो जिंक काफ़ी ऊपर है और जो यहाँ पर आप कॉपर देखेंगे तो बहुत कम रिएक्टिव में आता है, तो कॉपर बहुत कम रिएक्टिव है। तो मेरा सिंगल मेटल जो है आपको साफ साफ दिख रहा है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, और ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये सॉल्यूशन में पड़ा जो मेटल है जो कि कम रिएक्टिव है उसको वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा। और विस्थापित करने के बाद क्या हुआ, जिंक सल्फेट वहाँ पर बन गया और
प्रॉपर उसमें से बाहर हो गया। देखिए पहले कलर इसका ब्लू था, बाद में इसका कलर कैसा हो गया, रेड हो गया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा, मैंने आपको अच्छे से ये समझा भी दिया है। अब इससे रिलेट करते हुए काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, किस तरह के बनते हैं। द इनर सरफेस ऑफ फूड कैन आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज भोजन के डिब्बे की जो आंतरिक सतह होती है उसको टिन के साथ लेपित किया जाता है, ना कि जस्ते के साथ। देखिए जब मैं टिन को देखती हूँ तो ये टेबल में नीचे आती है और जिंक जो होता है वो ऊपर आता है, इसका मतलब टिन जो है वो कम रिएक्टिव है। इसी वजह से जो हमारे इनर सरफेस होते हैं फूड कैन के, वो टिन के साथ होते हैं, क्योंकि ताकि वो खाने से जल्दी रिएक्ट ना करें। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है टिन से, इसी वजह से हम क्या करते हैं टिन का प्रयोग करते हैं। जस्ता जो होता है वो टिन से अधिक अभिक्रियाशील होता है, वो खाने से जल्दी अभिक्रिया कर सकता है और खाने को खराब कर सकता है, इसलिए हम जिंक की जगह किसका यूज़ करते हैं, टिन की जो कैन होते हैं उनका यूज़ करते हैं, क्योंकि वो कम रिएक्टिव होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन और किस तरह से बना। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल कैन डिस्प्लेस द रेस्ट फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अन्य सभी को अनेक लवणीय जो विलयन है उनमें से निकाल सकता है, मतलब कौन एक सिंगल ऐसा यहाँ पर मेटल है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, जो अदर कोई भी मेटल हो अगर वो किसी सॉल्यूशन में पड़ा है तो उनको वो इजीली निकाल देगा। तो अगर मैं साफ साफ देखूँ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो क्या है, आप रिएक्टिविटी सीरीज देख लीजिए, जिंक यहाँ पर सबसे ऊपर होगा, जिंक के नीचे होता है आयरन, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है। तो जिंक अगर कोई भी सॉल्यूशन में पड़ा मेटल है जैसे कॉपर के साथ पड़ा है तो वहाँ पर भी रिएक्शन हो जाएगी, आयरन है तो वहाँ पर भी रिएक्शन हो जाएगी, सिल्वर है तो वहाँ पर भी रिएक्शन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सिंगल मेटल जिंक जो है बचे हुए इन तीनों मेटल से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये मेटल, ये यही पूछा था, ऐसा कौन सा मेटल है इनमें से जो बाकी बचे हुए मेटल्स को उनके सॉल्यूशन में से निकाल सकता है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गया यहाँ पर जिंक, ऑप्शन नंबर 4 मेरा आंसर होगा। इसके अलावा देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ पर बने हैं डिस्प्लेसमेंट से। Which of the following reaction are not feasible? किन में रिएक्शन नहीं होगी, किन में अभिक्रिया नहीं होगी, ये हमको यहाँ पर बताना है। अब देखिए सिंगल मेटल यहाँ पर सोडियम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का आपका सॉल्यूशन है, सीधी सी बात है सिंगल मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए सिंगल मेटल मैग्नीशियम, ये सी यू क्या है, कॉपर है, कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है और सिंगल मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है तो फिर से यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी। सेम ऐसे ही यहाँ पर सिंगल मेटल अगर मैं देखूँ जिंक, कॉपर ऑक्साइड जो यहाँ पर सॉल्यूशन है इसमें ये जो जिंक है खाली वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो यहाँ पर भी रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं डी को देखती हूँ तो आयरन पड़ा है एक सॉल्यूशन में और यहाँ पर खाली सिंगल मेटल क्या है, कॉपर, जो कॉपर सिंगल मेटल है वो कम रिएक्टिव है और इसी वजह से ये सॉल्यूशन में पड़े आयरन को वहाँ पर नहीं निकाल पाएगा और वहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। तो यही पूछ रहा था किन में रिएक्शन नॉट फीजिबल है, तो वो डी होगा, ओनली डी, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। इस तरह का और क्वेश्चन देखिए, इस बार क्वेश्चन में पूछा गया है किन किन में रिएक्शन जो है वो आपकी पॉसिबल है, कहाँ रिएक्शन हो सकती है। अब हमको ये बताना है ये सिंगल मेटल कॉपर, ये जो एल्यूमिनियम है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और ये तो बहुत कम रिएक्टिव है, सिंगल मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए इस वजह से यहाँ भी रिएक्शन नहीं होगी। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो जिंक जो है आपको पता है सिंगल मेटल आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये जो सिंगल मेटल आयरन है Fe है, ये जो कॉपर है CuSO4 कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है इसमें से, ये सीधी सी बात है क्योंकि सिंगल मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से तो यहाँ पर भी रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिंक के कंपैरिजन में, जिंक क्योंकि कम रिएक्टिव रह गया तो ये सॉल्यूशन में पड़े मेटल को नहीं निकाल पाएगा तो यहाँ भी रिएक्शन नहीं होगी। तो क्वेश्चन में पूछा था कहाँ कहाँ रिएक्शन होगी, तो बी और सी में रिएक्शन हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह से मुझे लगता है ये डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जो मेटल और नॉन मेटल से बने हैं। Which of the following statement is true? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? मेटल और नॉन मेटल का जब आप नोट्स खोलेंगे तो उसमें मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से लिख रखी हैं, उनको अच्छे से पढ़कर जाइएगा। All metal are solid. क्या सभी मेटल सॉलिड होते हैं? हम सीधा सा देखते हैं मरकरी जो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी लिक्विड में होता है वो सॉलिड नहीं होती, तो हम ये नहीं कह सकते सारे धातु सॉलिड हैं। नोट्स में बहुत अच्छे से ये दे रखा है और मैंने बार बार समझा दिया है। 120 रुपीज़ की आपको पेमेंट करनी है। व्हाट्सएप नंबर मेरा है 9411
6 2 1 1 5 और आपको सारे नोट्स, सारे PYQ, सारी टॉपिक सीरीज, सारे क्वेश्चन विद आंसर सब आपको मिल जाएगा, जो कंटेंट आपके लिए मोर देन सफिशियंट होगा CTET में। अब देखिए, सारे मेटल सॉलिड नहीं होते ये हमने देख लिया, क्या सारे मेटल हार्ड होते हैं, क्या सारे धातु कठोर होते हैं, ये बात भी गलत है। अभी हम मरकरी देख रहे थे, वो लिक्विड होती है, वो तो कठोर नहीं होती। सोडियम की बात करूँ मैं, सोडियम जो है बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, बहुत जल्दी एयर और वाटर के साथ अभिक्रिया कर जाता है, इसीलिए हम इस सोडियम को क्या करते हैं, केरोसिन के तेल में रखते हैं, और ये चाकू से आसानी से काटा भी जा सकता है, तो ये बात भी यहाँ पर गलत है। ऑल नॉन मेटल आर गैसेज, देखिए हम पढ़ते हैं, अभी मैं बता रही थी कार्बन, कार्बन क्या है, वो आपका नॉन मेटल है, तो क्या वो गैस होता है, नहीं, आयोडीन है, आयोडीन गैस की फॉर्म में हो सकता है, लेकिन आयोडीन नमक आप देखते हैं वो भी क्या होता है, चमकीला होता है, लस्ट्रस होता है, ठीक है। और उसके अलावा देखिए ब्रोमीन, ब्रोमीन जो होता है नॉन मेटल, एक इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, तो हम ये नहीं कह सकते जो सारे अधातु होते हैं वो गैस होंगे, तो ये बात भी गलत है। तो सीधी सी बात है, सारा यहाँ पर जो सत्य होगा वो क्या है, ऑल नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल, सभी अधातुएं अतन्य होती हैं। अतन्यता क्या होती है, देखिए जैसे गोल्ड है, आपने देखा होगा गोल्ड के कितने बारीक तार बनाए जा सकते हैं, आपने देखा होगा गोल्ड के जो क्या कहते हैं आपके ऑर्नामेंट्स होते हैं पहने की, कितनी बारीक बारीक चेन बनाई जा सकती हैं, तो वो क्या है, तन्यता है, उसको पतला तार खींच के, जैसे कॉपर के तार होते हैं पतले पतले तार खींच के उनको लंबा करा जा सकता है, वही एक मेटल धातु की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, तन्यता कहलाती है, और ये नॉन मेटल जो अधातु होते हैं उनमें नहीं पाई जाती, तो सारे अधातुओं के अंदर ये नहीं होती है, तो ये बात सत्य है, जितने भी अधातु हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं, वो अतन्य होते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन ही मेरा यहां पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और किस तरह का बना है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर ऑल मेटल, अब इस बार ये पूछ रहा है कि सभी धातु के लिए कौन सी बात यहाँ पर सत्य है, ये तो सत्य नहीं है कि सारे हार्ड होते हैं, अभी मैंने समझाया, दे आर लेस डेंस देन वाटर, ये पानी की तुलना में कम सघन होते हैं, देखिए कुछ ही होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, लिथियम, लिथियम की डेंसिटी बहुत कम होती है पानी से, 0.5 में ही होती है, और पानी की डेंसिटी आपको पता है 1 होती है, 1 होती है, तो इनके कुछ जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम मैंने आपको दिया, इनकी डेंसिटी पानी से कम होती है, मोस्टली सबकी डेंसिटी क्या होती है, पानी से ज़्यादा होती है, तो हम ये नहीं कह सकते सबकी कम होती है, कुछ की कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है। दे आर वेरी रिएक्टिव, अब देखिए कॉपर के बारे में हम पढ़ते हैं, वो धातु है लेकिन वो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है और रिएक्शन नहीं करता इजीली, तो हम ये नहीं कह सकते वो सारे के सारे रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये इजीली रिएक्शन नहीं करते, प्लैटिनम तो बिल्कुल बहुत लीस्ट में आ जाता है, तो ये बात भी यहाँ पर सारे मेटल के लिए सत्य नहीं होगी। बाकी ये बात फोर्थ ऑप्शन सही है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, भले ही चाहे वो पुअर कंडक्टर हो सकते हैं लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी उनमें किसी भी कंडीशन में क्रिएट कराई जा सकती है। एक्सेप्शन वैसे देखो हम इस कह सकते हैं लेड, जब कभी पूछा जाता है कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल ही नहीं है, पुअर कंडक्टर का है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करते हैं तो लेड उसमें आ जाता है, लेड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है मेटल में, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी कुछ कंडीशन में उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराई जा सकती है, तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सभी मेटल के लिए सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ये विद्युत के चालन जो है वहां पर ये करते हैं। अब देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पर लिख दिए हैं जो एग्जाम में बने हैं। मेटल जो होते हैं याद रखेंगे वो एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, क्वेश्चन ऑप्शन में ऐसे ही बन जाएंगे, 4 ऑप्शन देखिए कि मेटल एसिड और बेस के साथ क्या रिएक्शन करते हैं, हाँ, तो देखिए इस तरह से आप कथन में जब ये क्वेश्चन बन जाए तो आपको पता होने चाहिए ये पॉइंट्स। मेटल जो धातु होते हैं वो अम्ल और बेस के साथ रिएक्शन करते हैं और वहाँ पर सोल्ट और हाइड्रोजन गैस वहाँ पर बनाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपके लिए लिख दिया जिंक जो कि क्या है, एक मेटल है, रिएक्शन करेगा किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जैसे यहाँ पर लिखा जो मेटल है जो धातु है वो एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और यहां पर ये क्या फॉर्म कर रहा है, जिंक क्लोराइड, जो जिंक क्लोराइड है ये यहां पर फॉर्म करेगा और साथ में जो हाइड्रोजन गैस है वो भी यहां पर निकलती है, तो सॉल्ट इसने फॉर्म कर लिया, क्या फॉर्म कर लिया, सॉल्ट इसने फॉर्म कर लिया। देखिए एक केस तो हमने वो ले लिया जिसमें हमने जिंक की रिएक्शन किससे कराई, एसिड के साथ रिएक्शन कराई, अब हम एक दूसरा केस लेंगे जिसमें हम जिंक जो है इसकी रिएक्शन बेस के साथ करा रहे हैं। अब जब मैंने जिंक की रिएक्शन एक बेस के साथ कराई, एक क्षार के साथ करी और बेस मैंने यहाँ पर क्या लिया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछेगा कास्टिक सोडा किसे बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो यहाँ पर मेटल एसिड के साथ भी रिएक्शन कर रहा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन कर रहा था, मेटल जो कि जिंक है वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, जहां पर क्या बनाएगा, ये सोडियम जिंकेट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, पूछ लेगा आपसे जिंक की रिएक्शन किससे कराई, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई, बताइए क्या फॉर्म हुआ, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप टिक वहां पर क्या करेंगे, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये सब एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं, सेम ऐसे सोडियम की भी रिएक्शन कभी कभी दिखा देते हैं, सोडियम की रिएक्शन
अब हम कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, है ना, तो वहाँ पर भी क्या बन जाता है NaCl, जिसे हम कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, और साथ में जो हाइड्रोजन गैस है वो भी रिलीज होती है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये भी मेटल की रिएक्शन किससे हो गई, एसिड के साथ रिएक्शन हो गई। सिंपली कहने का मतलब ये है कि जो मेटल है, जो धातु है, वो अम्ल और क्षार एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, मेटल का सॉल्ट वहाँ पर बनाते हैं। देखिए NaCl कॉमन सॉल्ट यहाँ पर बन गया, सॉल्ट वहाँ पर बनाएंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज करेंगे। जनरली मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आपको ये बात याद रखनी होगी। मेटल्स होते हैं जनरली, या ऑल मेटल भी बोल सकते हैं, आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, चाहे पुअर हो सकते हैं लेकिन होंगे, पुअर कंडक्टर हो सकते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, बट कुछ ना कुछ अमाउंट में होंगे। सम मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। देखिए मेटल जैसे एसिड और बेस के साथ रिएक्शन कर रहे थे, सेम ऐसे ही धातु जो होते हैं, ये अम्ल वाली रिएक्शन यहाँ पर लिख दिए कि धातु जो है अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं और लवण, सॉल्ट को क्या बोलते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। और सामान्यतः धातु जो होते हैं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, ये वाला पॉइंट यहाँ पर हिंदी में आ गया। धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। धात्विक मतलब मेटल कैसे होते हैं, हमने पीछे भी देख लिया वो एसिडिक, धात्विक के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, सॉरी बेसिक होते हैं, ये हमने पीछे सब देख लिया है, ये वाला इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने पीछे देख ली। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है ये इसकी हिंदी फॉर्म लिखी है, कुछ धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, मेटल पानी के साथ रिएक्शन करते हैं और मेटल के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो वहां पर उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड और बेस। हम मेटल की बार बार कर रहे थे, जिंक ले लिया था हमने एग्जाम्पल में, जिंक में एसिड और बेस से दोनों से रिएक्शन दिखा दी, उसके बाद सोडियम की रिएक्शन भी दिखा दी, लेकिन अभी तक हमने नॉन मेटल की बात नहीं की, जो अधातु होते हैं वो एसिड और बेस के साथ जो है जनरली रिएक्शन नहीं करते हैं। सेम ऐसे ही जैसे हमने बोला कि जो मेटल है वो पानी के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो पानी के साथ जनरली क्या होता है, रिएक्शन नहीं करते हैं। ये आपको याद रखना होगा, ये आपके स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ट्रू है या फॉल्स है, तो आप याद रखेंगे जो नॉन मेटल होते हैं ना ही वो पानी के साथ ना ही वो एसिड बेस के साथ जनरली क्या होता है, रिएक्शन नहीं करते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं वो नाइदर मैलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल, देखिए मेटल के अंदर प्रॉपर्टी होती है वो मैलिएबल होते हैं, मतलब पीट कर उनको पतला करा जा सकता है, जैसे एल्युमिनियम की शीट आपने देखी होंगी, डक्टाइल में मैंने आपको गोल्ड बता दिया तन्यता, तो ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल में नहीं होती। तो नॉन मेटल जो होते हैं ना तो वो मैलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस बर्न विद पॉप साउंड गैस इज प्रोड्यूस व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एसिड। अभी मैंने पीछे आपको समझाया था उसी से रिलेट करते हुए देखिए सारे क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए मेटल की रिएक्शन जब एसिड से होती है, आपने देखा था मेटल का सॉल्ट बनता है, साथ में जो पॉप की ध्वनि है उसके साथ हाइड्रोजन गैस जो है वहाँ पर उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर से ये बात लिख दी है, मेटल एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं जो पॉप की ध्वनि के साथ उत्पन्न होती है। अब देखिए एक्सेप्शन के तौर पर आप याद रखें गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो ये जनरली एसिड और बेस के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन नहीं करते। तो सारे मेटल हम यहां पर नहीं कहेंगे, उसके तौर में एक्सेप्शन भी आ जाएंगे। एक्सेप्शन के तौर पर क्या हो जाएगा, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये एक्सेप्शन है, ये जनरली आसानी से क्या होगा, एसिड बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिए, ये भी इस तरह से है, रिएक्शन बिटवीन विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। किसकी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ पर उत्पन्न नहीं होगी। देखिए कॉपर को आपको याद रखना होगा, ये जो कॉपर है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। हम अभी पढ़ते हुए आ रहे थे कि जो मेटल हैं, जो धातु हैं, वो एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कॉपर क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव होता है, इसी की वजह से ये कॉपर जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एसिड के साथ ये कॉपर जो है रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन गर्म करने पर यही क्या होता है, कॉपर बेस के साथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर लेता है। अगर कॉपर के साथ यहां पर लिखा होता भी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो वहां पर रिएक्शन हो जाती, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कॉपर रिएक्शन नहीं करता। तो यहां पर किस में रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगी, बी ऑप्शन में नहीं करेगी। बाकी मैग्नीशियम हो, चाहे सल्फर का पाउडर हो, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चाहे एल्युमिनियम हो, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस यहां पर निकलेगी, लेकिन कॉपर की जब रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होगी तो वहां पर हाइड्रोजन गैस जो है वो उत्पन्न नहीं होगी। ये
आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। लेकिन इसी कॉपर को अगर मैं गर्म कर दूँ, सांद्र कर दूँ, कॉन्सेंट्रेटेड कर दूँ और उसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ कराऊँ, तो तब उस केस में अभिक्रिया हो जाती है, ये आपको याद रखना होगा। और वहाँ पर क्या बनता है, कॉपर सल्फेट फॉर्म होता है, जिसे हम CuSO4 या नीला थोतावी बोलते हैं। सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और ऐसे बना था कि अ पीस ऑफ कॉपर इज पुट इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो वहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, मैंने आपको बता दिया है कि कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो उस केस में आंसर हो गया था नो रिएक्शन टेक प्लेस। तो ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए कॉपर क्या होता है, किस किस का मिक्सचर होता है, ये ब्रास और ब्रोंज का मिक्सचर होता है, ये भी आप याद रखेंगे। एक अलॉय है जो मिक्सचर है, किसका, ब्रास और ब्रोंज का, पीतल और कांसे का जो है मिक्सचर होता है आपका कॉपर, ये आपको याद रखना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आया कि कॉपर जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन गर्म करने पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर जाता है। एक्स इज अ मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, हमें बताना है ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो वो हो जाएगा आंसर सीधा आपका यहां पर मरकरी। अभी मेटल की जगह अगर नॉन मेटल होता तो उस केस में आंसर आपका क्या हो जाता, ब्रोमीन हो जाता। तो ये आपको याद रखना होगा, नोट्स में आपको सब बता रखा है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके लिए लिख दिए हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ब्रोमीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। एक मेटल क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं, वो मेटल की प्रॉपर्टी होती है, धातु की प्रॉपर्टी होती है, ना कि अधातु की। लेकिन आयोडीन जो होता है वो एक ऐसा अधातु है जो क्या है, वो शाइनी है, लस्ट्रस है, जिसको हम यूज़ करते हैं पर्पल कलर का सॉल्यूशन जो हमारे वूंड जो चोट होती हैं उनमें लगाने की तरह, एंटीबायोटिक की तरह प्रयोग में लाया जाता है आयोडीन, ये आप याद रखेंगे। और ये लस्ट्रस या शाइनी होता है जो कि नॉन मेटल में आता है। सोडियम और पोटाशियम दोनों की सॉफ्ट मेटल होते हैं, और डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि हार्डेस्ट है, क्योंकि हमको पता है मेटल क्या होते हैं, वो हार्ड होते हैं, लेकिन उसके एक्सेप्शन के तौर पर आ गया सोडियम और पोटाशियम। सेम ऐसी जो नॉन मेटल होते हैं वो इतने क्या होते हैं, हार्ड नहीं होते, लेकिन डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि हार्डेस्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर लिख रखे हैं। सोडियम जो है वो कैरोसिन में कैप्ट करा जाता है, क्योंकि वो एयर और वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है और आग वहाँ पर उत्पन्न कर देता है, इसको ईजिली नाइफ के साथ काटा जा सकता है। अब देखिए सोडियम एक ऐसा मेटल है जो विच इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर या सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर पूछ लिया जाए, मैच द फॉलोइंग करके भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, सोडियम का मैच द फॉलोइंग करना था कि इसका कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग पाउडर भी कहते हैं, आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एक एक पॉइंट। फॉस्फोरस पहले तो ये बताइए मेटल है या नॉन मेटल, तो ये नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल जो है वो एयर के साथ रिएक्शन करते हैं और वहाँ पर फायर कैच कर जाते हैं, इसीलिए ये जो नॉन मेटल होते हैं, मैंने बताया था आपको अधातु जो होते हैं वो पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते, इसलिए इस फॉस्फोरस को हम किस में रखते हैं, पानी के अंदर रखते हैं, क्योंकि जो नॉन मेटल फॉस्फोरस है ये एयर के साथ रिएक्शन कर जाता है। और याद रखेंगे फॉस्फोरस के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ नॉन मेटेलिक लुब्रिकेंट, ये एक लुब्रिकेंट की तरह भी क्या होता है मशीनों वगैरह में, लुब्रिकेंट जो है तेल की तरह भी काम करता है ये जो फॉस्फोरस होता है। जिंक इज अ मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर बट रिएक्ट विद स्ट्रीम, आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया जो मेटल होते हैं, जो धातु होते हैं, वो पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं, लेकिन एक्सेप्शन के तौर पर आप याद रखेंगे जो जिंक है वो एक ऐसा मेटल है, उसकी हमने एसिड और बेस के साथ तो रिएक्शन देखी थी, अम्ल और क्षार के साथ तो रिएक्शन देखी थी, लेकिन ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन स्ट्रीम जो होती है, जो भाप होती है, उसके साथ ये रिएक्शन कर जाता है। दो नॉन मेटल आपसे पूछ लेगा कि जो क्रैकर में यूज़ होते हैं, तो सल्फर और फॉस्फोरस ऐसे नॉन मेटल हैं, ऐसे अधातु हैं जिनका प्रयोग क्या होता है, क्रैकर बनाने में किया जाता है। क्लोरीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसको पानी को साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जबकि हम पढ़ते हैं जो अधातु होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते, लेकिन एक्सेप्शन के तौर पर क्या हो गया, ग्रेफाइट हो गया, एक ऐसा अधातु है जो गुड कंडक्टर है, अच्छा चालक है, किसका, विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का। लेड जो है, देखिए ये मेटल है, लेड क्या है, मेटल है, जबकि हम मेटल के बारे में पढ़ते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन के तौर पर हो जाएगा लेड, ये क्या है, ये पूर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये नहीं बोला कि पूरी तरह से कंडक्ट नहीं करेगा, इसलिए वहां पर वो ऑप्शन सही था कि ऑल मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर है कुछ अमाउंट में, लेकिन क्या है, पुअर कंडक्टर होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी का लेड, ये भी आपको याद रखना होगा।
जबकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए या इलेक्ट्रिसिटी, तो वो आपके कॉपर और सिल्वर हो जाएंगे। कॉपर और सिल्वर क्या होते हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट में आपके लेड और मरकरी जो है वो आ जाते हैं। ये आपको याद रखने होंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको एक्स्ट्रा में भी याद रखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ वाटर सॉल्यूबल कंपाउंड विच टर्न रेड लिटमस ब्लू। द सॉल्यूशन इज आल्सो यूज्ड टू टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है। तो यहाँ पर कौन से एलिमेंट की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कैल्शियम की। किसकी बात हो रही है, कैल्शियम की। कैल्शियम की रिएक्शन, ये मैंने जब प्रीवियस ईयर सॉल्व कराया तो आपको बताया था कैल्शियम की रिएक्शन। देखिए पहली बात तो आप समझाइए, जो यहाँ पर सॉल्यूशन बना, देखिए आप इसको क्वेश्चन में कैसे आंसर तक पहुँच सकते थे। अब देखिए यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा वो यहाँ पर क्या बताया है, वो क्या टर्न कर रहा है, रेड लिटमस को नीला करता है। रेड को नीला कौन करते हैं, वो बेस करते हैं, वो क्षार करते हैं। तो यहाँ पर बेस कौन होते हैं, किसके ऑक्साइड बेस होते हैं, मेटल। हमने पढ़ा था जो मेटल होता है, जो धातु होता है, उसके ऑक्साइड कैसे होते हैं, वो क्षारीय होते हैं, वो बेसिक होते हैं नेचर में। तो कहीं ना कहीं ये मेटल की बात कर रहा है, धातु की बात कर रहा है। सल्फर और कार्बन यहाँ पर नॉन मेटल है, तो ये दोनों तो ऑप्शन से पहले ही हट गए। कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की जब बात होती है तो उस केस में कैल्शियम ही यहाँ पर आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। कैल्शियम की रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन से कराई, तो यहाँ पर क्या बना, आपका कैल्शियम ऑक्साइड बना। इसी कैल्शियम ऑक्साइड को मैं क्विक लाइम भी बोलती हूँ। इस कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किससे होती है, एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा है, पानी से रिएक्शन कराई जाती है। तो यहाँ पर ये बना देता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना, इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से होती है, और वहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ पर फॉर्म कर लेता है। और इसमें ज़्यादा अमाउंट में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी जाती है, तो जो उसका सफ़ेद रंग वहाँ पर बनता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, दूधिया कलर यहाँ पर ये बना लेता है, वो कम होता चला जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के टेस्ट में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब यहाँ पूरा लिखा है, देखिए कैल्शियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से हुई, तो उसने कैल्शियम ऑक्साइड बनाया, जिसे हम क्विक लाइम बोलते हैं। तो पूछा जा सकता है कैल्शियम ऑक्साइड को और किस नाम से जानते हैं, क्विक लाइम। अब इसकी रिएक्शन पानी के साथ हुई, तो इसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, जिसे हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। फर्दर इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से हुई, तो उसने कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया, जिसे हम लाइम स्टोन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कैल्शियम कार्बोनेट जो यहां पर बन रहा है उसे हम किस और नाम से जानते हैं, लाइम स्टोन, चूना या चौक, इनसे हम इनको जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। एल्युमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्युमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। एल्युमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के, एल्युमिनियम का प्रयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने में किया जाता है, निम्न में से कौन सा एल्युमिनियम के गुण इसके लिए उत्तरदायी है। पहला तो यही होगा कि इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब इजीली पिघलता नहीं है, इसलिए तो आग दी जा रही है तब भी नहीं पिघल रहा है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है। और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है ये, थर्मल कंडक्टिविटी इसकी गुड है। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन यहां पर इसको सुटेबली फिट करेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा यहां पर सही होगा। द मोस्ट, नेक्स्ट जो इसमें एक और क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है एग्जाम में, द मोस्ट अबंडेंट, अभी तक बना नहीं है ये क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। आपसे पूछा गया पृथ्वी की जो पपड़ी होती है उसमें सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो वो भी आपकी एल्युमिनियम ही होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जो रिएक्टिविटी सीरीज हमने देखी थी उससे रिलेट करते हुए आपसे ऑर्डर बना के पूछ लेगा, अभी तक ये क्वेश्चन बना नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द गिवन मेटल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। निम्न में से कौन सी दी गई धातुओं की सही व्यवस्था है, उनकी प्रतिक्रियाशीलता जो है अवरोही क्रम में वहां पर हमको लगानी है, मतलब सबसे पहले सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर उससे कम रिएक्टिव, फिर उससे कम रिएक्टिव और फिर सबसे कम रिएक्टिव। तो सीधा सीधा यहां पर आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, सोडियम यहां पर ज्यादा रिएक्टिव होगा, उससे कम रिएक्टिव यहां पर मैग्नीशियम होगा, सोडियम को सॉरी Na से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम यहां पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद मैग्नीशियम आ जाएगा, उससे कम हो जाएगा जिंक, और जिंक से भी कम क्या हो जाएगा, आयरन। तो डिसेंडिंग ऑर्डर बताना था उसमें, सोडियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक और सबसे कम आयरन। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहां पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्वेश्चन भी अभी तक नहीं बना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया करेगा। विस्थापन मैंने अच्छे से समझा दिया है, वीडियो पॉज करके खुद भी आप जो है यहाँ पर कोशिश करिए कि क्या आंसर होगा। देखिए कहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, इसमें नहीं होगी, क्योंकि जो सिंगल मेटल कॉपर है वो सॉल्यूशन में पड़े मेटल जो कि आयरन है उससे कम रिएक्टिव है। अगर ये सिंगल मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता तभी रिएक्शन होती, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो गया। अब क्या देखिए यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी। देखिए जो सिंगल मेटल कॉपर है ये सॉल्यूशन में पड़ा Ag, Ag हम किसका सिंबल है, Ag आपका सिल्वर का सिंबल है। सिल्वर आप देखेंगे तो वो रिएक्टिविटी सीरीज में काफ़ी नीचे होती है, तो वो कॉपर से भी नीचे होती है। तो अब कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, तो सिंगल मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से यहाँ पर जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यही पूछ रहा था कि किस में विस्थापन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। बाकी देखिए सिल्वर कॉपर को नहीं निकाल पाएगी, ऐसे ही कॉपर जो है सोडियम को नहीं निकाल पाएगा सॉल्यूशन में से, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर क्या है सिंगल मेटल, कम रिएक्टिव है। सिर्फ बी ऑप्शन में सिंगल मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है सॉल्यूशन में पड़े मेटल से, इस वजह से वहाँ पर वो सिल्वर को निकाल देगा और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वहाँ पर हो जाएगी। ऑप्शन बी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अभी तक नहीं बना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन थर्माइट वेल्डिंग, ज़्यादा कुछ नहीं समझना, बस इस क्वेश्चन को याद रखिए। इन थर्माइट वेल्डिंग अ मिक्सचर ऑफ डैश एंड डैश इज इग्नाइटेड विद अ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन विच प्रोड्यूस मोल्टन आयरन मेटल एज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। थर्माइट वेल्डिंग में डैश और डैश के मिश्रण को जलाकर प्रज्वलित किया जाता है, मैग्नीशियम रिबन का यूज होता है जो बड़ी मात्रा में पिघला हुआ लोह धातु जो है वो उत्पन्न करता है और ऊष्मा वहाँ पर जो है वो विकसित होती है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की बात होती है। जब हम मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं, ये हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम क्या होता है, रिबन ही तो होता है, उसको आके पास लाते हैं, एनसीईआरटी में यही तो दिया है, तो वहाँ पर ऐश की तरह फॉर्म हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जलने के बाद क्या हो जाता है, वो राख बन जाता है, ऐश बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम रिबन की बात हुई है, उस पर्सपेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाई लेवल क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा। तो थर्माइट में वेल्डिंग किसका मिक्सचर होती है, आयरन के ऑक्साइड और एल्युमिनियम पाउडर का, तो इस बात को आप रट लीजिएगा, आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम पाउडर का यहाँ पर ये होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा आंसर होगा, ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैल्वनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद थिन लेयर ऑफ डैश। गैल्वनाइजेशन इसे हम यसद लेपन भी बोलते, एक पतली परत चढ़ाकर लोहे को जंग लगाने से बचाने की एक विधि है। तो यहां पर हम पतली परत किसके लगा देते हैं, जिंक की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा यहां पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर ऑब्जेक्ट लूज देयर शाइन, कॉपर अपनी शाइन लूज कर देता है एंड फॉर्म अ ग्रीन कोटिंग ऑफ, किसकी ग्रीन कोटिंग वहाँ पर वो फॉर्म करता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर हो जाएगा सॉरी कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। क्या होगा, कॉपर कार्बोनेट आपका यहाँ पर होगा कार्बोनेट, ये थोड़ा यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब देखिए इसको आप समझ लीजिएगा, ये 3 से 4 बार क्वेश्चन बन चुका है। कॉपर को जब लंबे समय, जैसे लोहा था, लोहे को अगर हवा नमी में रखा जाता है और पानी हो गया नमी और ऑक्सीजन हो गई हवा, इनमें रखा जाता है तो लोहे पर भी क्या हो जाती है आपकी जंग लग जाती है। सेम ऐसे ही जो कॉपर होता है उसको लंबे समय तक अगर नम वायु में खुला रखा जाता है तो हल्की हरे रंग की परत जम जाती है और वो हल्का हरा पदार्थ क्या होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। पहली बात तो आप याद रखेंगे CuOH2, और साथ में क्या होता है कॉपर कार्बोनेट होता है CuCO3 का मिश्रण होता है। पूरी रिएक्शन यहाँ पर दे रखी है, देखिए कॉपर की रिएक्शन नमी के साथ पानी हो गया और साथ में आपका ऑक्सीजन हो गया, तो क्या फॉर्म करा, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, और ये हल्का हरा रंग का परत जो है वो इस पर आ जाती है, जो कि किसका मिक्सचर होती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, अभी तक नहीं बना है। एक ऐसा नॉन मेटल ए जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑफ आर फूड, हमारे फूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, एंड फॉर्म टू ऑक्साइड बी एंड सी। ऑक्साइड बी जो होगा वो टॉक्सिक है, जबकि जो ऑक्साइड सी है वो ग्लोबल वार्मिंग जो है वहां पर कॉज करता है। एक ऐसा अधातु जो हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है और वो दो ऑक्साइड बनाता है, बी और सी। बी ऑक्साइड जो है वो आपका विषैला होता है और जो सी ऑक्साइड है वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है। चार ऑप्शन दे देगा और फिर पूछेगा आपसे ए और बी सी को आइडेंटिफाई करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ए यहां पर किसकी बात हो रही है, कौन हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है फूड का, ऐसा कौन सा अधातु है, तो यहां पर बात हो रही है किसकी, कार्बन की। किसकी बात हो रही है, कार्बन की। और ये दो ऑक्साइड, ये मल्टीपल ऑक्साइड फॉर्म करता है, ये दो ऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म करता है किसके, होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसने एक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया जो कि
टॉक्सिक होती है, जो कि जहरीली होती है, जिससे घुटन होती है हम लोगों को भी। एक दूसरा ऑक्साइड ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या होती है आपकी ग्लोबल वार्मिंग जो है कॉज कराती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, बात हो रही थी यहाँ पर कार्बन की, और इसके दो जो ऑक्साइड होंगे, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ये भी देखिए कुछ इस तरह का ही क्वेश्चन है। एक मेटल ए है जो पानी के साथ रिएक्शन करता है और कंपाउंड बनाता है बी, विच इज यूज इन वाइट वॉशिंग। द कंपाउंड बी ऑन हीटिंग फॉर्म एन ऑक्साइड सी, विच ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर गिव बैक बी। तो आइडेंटिफाई ए बी सी यहाँ पर करना है। देखिए यहाँ पर समझिए, एक तत्व ए है, आंसर देखिए आपके लिए लिख दिया है भले, एक तत्व ए है जो पानी से प्रतिक्रिया करता है और एक ऑक्साइड, एक कंपाउंड बनाता है, यौगिक बनाता है बी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए वाइट वॉशिंग की बात कर दी है, तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, कैल्शियम की। अब देखिए जो कैल्शियम है उसकी रिएक्शन किससे कराई जाती है, पानी के साथ। देखिए पहले तो कैल्शियम की रिएक्शन किससे हुई, आपकी ऑक्सीजन से हुई, तो उसने कैल्शियम ऑक्साइड बनाया। अब इस जो का जो कंपाउंड बना कैल्शियम ऑक्साइड की, जब रिएक्शन पानी से हुई और इसका जो कंपाउंड बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वो क्या होता है, वो उसका हम यूज़ करते हैं किस में, वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। तो बी हमारा यहाँ पर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो क्लियर हुआ, एक एलिमेंट ए है, पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई तो कैल्शियम ऑक्साइड बना, ठीक है, उसके बाद उसकी पानी के साथ रिएक्शन कराई तो वहाँ पर कंपाउंड बी बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, CaOH2, यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बी यहाँ पर बना, इसको हम यूज़ करते हैं किस में, वाइट वॉशिंग में, सफ़ेद धुलाई में, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। अब ये जो कंपाउंड बी बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बना, इसको जब हम हीट करेंगे तो ये फिर से क्या करेगा, ऑक्साइड सी बना लेगा, विच ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर गिव बैक बी। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको हीट करा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेरा बना, इसको मैंने हीट करा तो ये ऑक्साइड फॉर्म करेगा सी, और सी ऑक्साइड यहाँ पर क्या होगा, फिर से ये बना लेगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्म में फिर से आ जाएगा। अब यहाँ पर ये बात और लिख दी, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बना, अगर मैंने फिर से इसकी पानी के साथ रिएक्शन करा दी तो फिर से ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो ये यही तो कह रहा है, ये जो सी ऑक्साइड बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना, इसकी रिएक्शन अगर पानी से करा दी तो फिर से मुझे बी मिल जाएगा, फिर से मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। तो यहाँ पर बात कैल्शियम की हो रही थी, कैल्शियम मेटल की बात हो रही थी, उसकी पानी से रिएक्शन हुई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, लेकिन उसको मैंने हीट कर दिया तो उसने फिर से कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया, लेकिन इस कैल्शियम ऑक्साइड में फिर से अगर मैं पानी मिला दूंगी तो फिर से ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो तीनों पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है, ये क्वेश्चन भी अभी तक नहीं बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ मेटल एम डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। अब आप सीधा इससे समझ रहे होंगे, पीछे अब तक समझाते आ रहे थे कॉपर। कॉपर जो है आप देखा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता, वो इजीली एसिड के साथ रिएक्शन जो है वो वहाँ पर नहीं करता, लेकिन गर्म करने पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर जाता है। तो मेटल ए डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ ब्लैक कलर प्रोडक्ट। आइडेंटिफाई एम एंड ब्लैक कलर प्रोडक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट। धातु एम, तो यहाँ पर एम आप याद रखेंगे कॉपर की बात यहाँ पर हो रही है, ये हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट नहीं करता जब इसकी रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ होती है। और क्यों, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन गैस से, हाइड्रोजन से नीचे आता है कॉपर तो कम रिएक्टिविटी होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिएक्शन नहीं होती। हाइड्रोजन से जितने भी नीचे होते हैं वो आपके लीस्ट रिएक्टिव में चले जाते हैं। तो देखिए कॉपर, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ बोली, लेकिन इस कॉपर की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होती है तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जो कि क्या होता है, जो कि ब्लैक कलर में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, अभी तक ये क्वेश्चन नहीं बना है। तो कॉपर की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से होती है तो वो ब्लैक कलर का ऑक्साइड बनाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ब्लैक कलर का ऑक्साइड कौन बना रहा है, तो एम से वहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, बात हो रही थी किसकी, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन अ मेटल एक्स, कोई मेटल एक्स है जिसकी रिएक्शन हो रही है किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ। अब देखिए ये हमने पढ़ा है, नोट्स में साफ साफ लिखा है कि जो मेटल होते हैं वो पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं, और पानी में अभिक्रिया करने से क्या बनाते हैं, वो मेटल के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और साथ में वो हाइड्रोजन गैस वहाँ पर लिबरेट करते हैं। ये नोट्स में पढ़ा है और उसी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन, और देखो डराने के लिए कैसे आपके लिए कर दिया,
मॉलिकुलर फार्मूला XOH फॉर्म कर रहे हैं जिसका मॉलिकुलर मास 40 है। देखिए जब यहाँ पर ये बेस सॉल्ट वहाँ पर बना रहा है तो देखिए X नहीं आएगा, पहली बात तो यहाँ पर ये Y हो जाएगा, YOH। तो देखिए X यहाँ पर मेटल है क्या, सोडियम। सोडियम की रिएक्शन कोल्ड आप पढ़ते हैं, सोडियम जो है इजीली रिएक्ट करता है। अब देखिए यहाँ पर तो मैंने एक ही ऑप्शन दिया, जब चार ऑप्शन देंगे ना तो आप इजीली पहचान जाएंगे। पहली बात से तो आप ये पहचानेंगे कि मेटल की रिएक्शन जब पानी से होती है तो वो क्या बनाते हैं, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो यहाँ पर पूछ भी रहा है कौन सी गैस निकलेगी, तो आप ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें हाइड्रोजन गैस होगी और एक ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें क्या बना होगा, हाइड्रोक्साइड बना होगा। तो इस तरह से आप अपने ऑप्शन तक पहुँचेंगे। यहाँ पर तो मैंने सीधा आंसर लिख दिया तो आपको लग रहा होगा कि ऐसे हम पहचानेंगे कैसे सोडियम है, ठीक है, तो वो वहाँ आप ऑप्शन से पहचान जाएंगे। तो मेटल एक्स यहाँ पर बात हो रही है सोडियम की, ये पानी के साथ कोल्ड वाटर के साथ विग्रेसली रिएक्ट भी करता है और साथ में फॉर्म करेगा क्या, बेस सॉल्ट यहाँ पर ये बनाएगा। सोडियम की रिएक्शन यहाँ पर मैंने पानी के साथ कराई, पानी के साथ रिएक्शन ने इसने क्या करा बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बेस यहाँ पर ये बनाया और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज की। एक्स वाई जेड आपसे पूछ रहा था, तो एक्स आपका सोडियम है, वाई आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा और जेड आपकी हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। इस तरह से ये लिखा हुआ भी है, सोडियम की रिएक्शन पानी से हुई तो उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जो कि वाई था और जेड यहाँ पर पूछ रहा था कौन सी गैस है, तो वो हाइड्रोजन गैस होगी। सेम ऐसे आपको याद रखना होगा कि देखिए सोडियम की रिएक्शन जब पानी से होती है, सोडियम क्या है आपका Na, की रिएक्शन जब पानी से हुई तो उसने क्या बनाया, सोडियम का ऑक्साइड बनाया और साथ में वाटर Na2O बनाया और साथ में पानी जो है वहाँ पर रिलीज किया। एक पॉइंट एक्स्ट्रा में ये भी याद रखेंगे, सोडियम की रिएक्शन जब हाइड्रोजन गैस से होती है, सोडियम जो कि Na है इसकी रिएक्शन जब हाइड्रोजन गैस से होती है तो ये सोडियम हाइड्राइड बनाता है, NaH सोडियम हाइड्राइड जो है वहां पर ये फॉर्म करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और इसी के साथ मेटल और नॉन मेटल में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आगे भी बन सकते हैं वो सब मैंने आपको करा दिए। ड्यू टू देयर सेमी कंडक्टर प्रॉपर्टीज द नॉन मेटल यूज इन कंप्यूटर TV एक्सेट्रा आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है, अभी तक बना नहीं है। अपने अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर TV आदि में उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी है, तो सीधी सी बात है हम पढ़ते हैं सिलिकन होती है, वो कंप्यूटर वगैरह में भी यूज़ होती है, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। सिलिकन क्या है आपके नोट्स में देखा होगा, मेटलॉइड में मैंने दे रखा है, मेटलॉइड के कुछ उदाहरण हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकन, जर्मेनियम और आर्सेनिक, ये सब क्या है, ये मेटलॉइड है। तो सिलिकन आपका मेटलॉइड है, तो ऐसे भी करके पूछ सकता है कौन सा ऐसा मेटलॉइड है ना, तो कैसे भी क्वेश्चन वहाँ पर वो पूछ लेते हैं। तो सेमी कंडक्टर इनमें प्रॉपर्टी होती है, कैसा नॉन मेटल जो कंप्यूटर TV में यूज़ होता है तो वो सिलिकन होता है, तो ऑप्शन नंबर C मेरा यहाँ पर सही होगा। इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चंस आपके देखे, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल से बने रहें, चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।